As the Delhi Assembly election date approaches, BJP is riding high on confidence after back-to-back victories in general elections and assembly polls in Jharkhand, Maharashtra and J&K. As NNIS caught up with BJP's Harish Khurana and Udit Raj, they seemed confident of BJP's government formation in Delhi, and they said people in Delhi want to listen to Prime Minister Narendra Modi. लगभग 40 से 45,000 लोगों की थी 40,000 लोगों की संख्या हम उम्मीद कर रहे हैं आएगी क्योंकि एक लोकसभा की रैली है एक लोकसभा से लोग आने वाले हैं तो ये आएंगे और जिस प्रकार का माहौल पूरी दिल्ली के अंदर है नरेंद्र मोदी लोग सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कौन से सुनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आएंगे कर रहे हैं पहले से ही गेन है हमारा और बहुत आगे हमने बढ़त ले ली है और हमारी सरकार निश्चित तौर से लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक हुई नरेंद्र अरविंद केजरीवाल पर तो क्या लगता है कि क्या कहीं पे ऐसा लग रहा था कि पिछड़ रहे हैं उसको देखते हुए आक्रामक नहीं मुझे नहीं लगता हमारी रणनीति ऐसी ही रही है हरियाणा में महाराष्ट्र में झारखंड में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी वो बहुत सही दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं और बड़े अच्छे सफल रणनीतिकार हैं तो हमारी तो चुनाव लड़ने की रणनीति ऐसी हर जगह रही है तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आलोचना की जा रही हमारे द्वारा हम चुनाव लड़ रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं